आईपीएल 2023 में विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हुए झगड़े ने माहौल गर्म कर रखा है। सोशल मीडिया पर अभी तक इस लड़ाई का असर देखने को मिल रहा है। विराट कोहली के साथ हुए इस विवाद के दो दिन बाद भी गौतम गंभीर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने एक ट्वीट के जरिए सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। गौतम गंभीर ने ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में DDCA के पूर्व अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए विराट को आड़े हाथों लिया। DDCA के पूर्व अध्यक्ष एक टीवी चैनल के संपादक भी हैं। उन्होंने अपने शो के दौरान गौतम गंभीर पर हमला बोला था, जिस पर गौतम गंभीर ने जवाब दिया। गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो व्यक्ति दिल्ली क्रिकेट से भागा था वह अब दबाव बना रहा है। लगता है कि वह क्रिकेट के प्रति अपनी चिंता जाहिर करते हुए पेड़ PR में काम में लगा हुआ है। यही कलयुग है जहां भगोड़े अपनी अदालत चलाते हैं। बता दें कि दिल्ली के दो धुरंधरों विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैदान पर IPL मैच के बाद हुई लड़ाई से एक बार फिर सार्वजनिक हो गया कि एक दूसरे के लिए दोनों के मन में कितनी कड़वाहट है।